हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशा फ्रॉम किड्स पैराडाइज पब्लिक स्कूल। तो बच्चों, आप लोगों को मैंने पिछली बार चैप्टर वन पढ़ाया था और आज मैं आप लोगों को चैप्टर टू पढ़ाऊंगी। तो स्टूडेंट्स, प्लीज़ ओपन चैप्टर टू। तो बच्चों, ये आप लोगों का चैप्टर टू है, गुलामी से मुक्ति, यानी गुलाम से क्या होना, आज़ाद होना, गुलामी से। साहसिक कथा, ये क्या है, एक साहसिक कथा यानी साहस। बहुत वर्ष पहले रोम में एंड्रोक्लीज नाम का एक गुलाम रहता था। क्या था, बहुत वर्ष पहले, मतलब बहुत साल पहले रोम में जो है एंड्रोक्लीज, उसका नाम क्या था, एंड्रोक्लीज, वो जो है एक गुलाम रहता था। उसका मालिक बहुत क्रूर स्वभाव का था। उसका मालिक जो था बहुत क्रूर स्वभाव का, यानी वो निर्दयी था, क्रूर। वह उससे दिन रात कोल्हू के बैल की तरह काम करवाता था। वह क्या करता था, उसे दिन रात जो है हमेशा काम करवाते ही रहता था। जरा सी भूल हो जाने पर कोड़ों से पीटता था, और जरा सी भी अगर गलती हो जाती थी तो क्या करता था, उसे कोड़ों से पीटता था। एंड्रोक्लीज किसी भी तरह इस दास्ता से छुटकारा पाना चाहता था, और वो जो एंड्रोक्लीज था वो क्या करता था, अपने उस मालिक से छुटकारा पाना चाहता था। वह जानता था कि वह भाग गया तो उसे मृत्यु दंड दिया जा सकता था। वह क्या करता था, वो जानता था कि अगर वो वहाँ से भाग गया, उस रोम में, रोम से अगर भाग गया तो उसे क्या हो जाएगा, मृत्युदंड दिया जाएगा। फिर भी अवसर पाकर वह भाग निकला और दूर वन में जाकर रहने लगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसे अवसर मिला और क्या हुआ, मौका मिला भागने का, और वो क्या हुआ, भाग गया और दूर क्या हुआ, जंगल में चला गया और रहने लगा। एक दिन एंड्रोक्लीज वन में घूम रहा था कि उसने पहाड़ी के अंचल में एक गुफा देखी। वो क्या हुआ, एक दिन एंड्रोक्लीज जो है जब घूम रहा था जंगल में, तो पहाड़ी के अंदर जो है एक क्या देखा, गुफा देखा। उसे वह गुफा पसंद आ गई, और क्या हुआ, एंड्रोक्लीज को वह गुफा जो है अच्छा लगने लगा, पसंद आ गया। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसे ही अपना घर बना लूँ। वह गुफा छिपने के लिए भी अच्छी थी, और वह क्या सोचने लगा कि इसे मैं अपना घर बना लूँ, और वो जो गुफा था छिपने के लिए एक बहुत ही अच्छा जगह था। सर्दी, गर्मी, वर्षा और आंधी से भी सुरक्षा हो सकती थी, और वो जो गुफा था उसमें हम उससे वो क्या करता था, सर्दी, गर्मी और वर्षा और आंधी से भी अपना बचाव कर सकता था। इसलिए एंड्रोक्लीज ने थोड़ी सूखी घास इकट्ठा की और नीचे बिछा कर सोने के लिए बिस्तर बना लिया। और क्या किया एंड्रोक्लीज, सूखी घास जो है ले आया और उसे उस जो जंगल में जो गुफा था उसके नीचे जो है बिछा दिया, और उसे सोने के लिए अपना एक बिस्तर बना लिया। वास्तव में वह गुफा एक शेर की थी, पर वो जो गुफा था जिसमें एंड्रोक्लीज रह रहा था वो क्या था, एक शेर का गुफा था। शाम को जब शेर अपनी गुफा में लौटा तो एंड्रोक्लीज को भीतर देख कर खड़ा हो गया। जब क्या हुआ, जब शेर जब शाम को जब लौटा अपने गुफा में, तो एंड्रोक्लीज को देखकर क्या हो गया, खड़ा हो गया। एंड्रोक्लीज डर के मारे कांपने लगा, और एंड्रोक्लीज क्या हुआ, उस शेर को देखकर डर से कांपने लगा। उसे लगा कि अब शेर उसे मार डालेगा, और उसे लगने लगा कि शेर क्या होगा, उसे मार डालेगा, जान से मार देगा। किंतु शेर ने उस पर आक्रमण करने के बजाय अपना पंजा उठाकर आगे बढ़ा दिया, और शेर क्या किया, उसे जान से मारने के बजाय अपना पंजा जो है उसके हाथों पर जो है मतलब आगे की ओर बढ़ा दिया। एंड्रोक्लीज शेर की ओर बढ़ा, और एंड्रोक्लीज क्या हुआ, शेर की ओर आगे बढ़ा, आगे आया शेर की तरफ। उसने देखा कि उसका पंजा सूजा हुआ है। उसने क्या देखा कि उसका जो पंजा है वो क्या हुआ, फुला हुआ था, सूजा हुआ था, और उसमें एक बड़ा सा कांटा चुभा था, और उसके पंजे में क्या था, एक बड़ा सा कांटा चुभा हुआ था। एंड्रोक्लीज ने बड़े साहस से उसका कांटा निकाला। एंड्रोक्लीज क्या किया, अब थोड़ा साहसी बनकर उसका जो पंजे में जो कांटा गड़ गया था उसे वो निकाला। जंगल से जड़ी बूटियाँ ला कर घिसी और गांव पर लगाई। क्या हुआ, जंगल से जो है जड़ी बूटी लेकर आया और उसे घिस कर क्या किया, उसके घाव पर लगाया। दो तीन दिन में शेर का घाव भर गया, और जब दो तीन दिन हो गया तो क्या हुआ, शेर का जो घाव था वो भर गया और वह ठीक हो गया, और शेर क्या हो गया, ठीक हो गया। वह स्नेह से एंड्रोक्लीज का हाथ चाटने लगा, और क्या हुआ, वो स्नेह से मतलब उसको जो अपना दोस्त समझ कर क्या किया, उसका हाथ को चाटने लगा।
दोनों बहुत समय तक उसी गुफा में साथ साथ रहे और दोनों क्या हुआ, बहुत समय तक उसी गुफा में एक साथ रहने लगे। एक दिन कुछ शिकारी उधर आए, उन्होंने एंड्रोक्लिज को पहचान कर बंदी बना लिया। और क्या हुआ, एक दिन शिकारी आए थे और जब उसने एंड्रोक्लिज को देखा तो उसे पहचान कर क्या कर लिए, बंदी बना लिए। वे उसे वापस रोम ले गए और उसे वापस रोम लेके चले गए जहाँ से एंड्रोक्लिज भागकर आया था। शीघ्र ही एंड्रोक्लिज को न्यायालय में उपस्थित किया गया और उसे क्या किया, न्यायालय में उपस्थित किया गया, उसे मृत्युदंड दिया गया और उसे मृत्युदंड दिया गया। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही और बाकी मैं आप लोगों को आगे की वीडियो में पढ़ाऊँगी। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही और आप लोग जो है अभी मैंने जो पढ़ाया है आप लोगों को जो होमवर्क है आज रहेगा उसे आप लोग इस चैप्टर को जो है घर में बैठ कर रीड करना है। ओके तो बाय बच्चों, अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।